राधे राधे दोस्तों, मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी, खुश होगी, मस्त होगी, मजे में होंगे। आप सभी को मैं तहे दिल से अपने मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आप जानते होंगे मैं भारती यादव हमेशा वही छोटे छोटे उपाय लेकर आती हूँ आप सभी के लिए, जो मैंने यूज़ किए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आप अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकते हैं, पैसे की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, और लाइफ में कैसे भी प्रॉब्लम हो, चाहे कैसे भी लड़ाई झगड़ा हो घर में, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो, सभी के लिए मेरे छोटे छोटे उपाय होते हैं। आप कीजिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और सॉरी गाइस, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, काफ़ी कुछ काम होता है और मैं बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी रेगुलर नहीं बन, फिर भी मैं आगे से कोशिश जरूर करूँगी। हमारे यहाँ पर अहमदाबाद में बहुत बहुत गर्मी है, सो गाइस वीडियो भी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो गाइस आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और फटाफट वीडियो बनाऊँगी और फटाफट आपको वीडियो के बारे में थोड़ा सा ही समझाऊँगी, ज़्यादा नहीं समझाऊँगी, और फिर आपको वह जो भी मैं उपाय लाई हूँ, जो भी मैं स्विच वर्ड लाई हूँ, आज मैं आपके लिए पावरफुल स्विच वर्ड लाई हूँ। स्विच वर्ड इतना पावरफुल है, आप देखें करिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको। सिर्फ इस स्विच वर्ड को सुबह में 3 बार बोलना है, दोपहर में 6 बार बोलना है और रात को 9 बार बोलना है। इस तरह से ये स्विच वर्ड बहुत ही अट्रैक्टिव और पावरफुल है, आपके सारे मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी हर एक फील्ड में कैसी भी प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत अच्छा 100% वर्क करता है ये स्विच वर्ड, बहुत ही अच्छा है। नेम, फेम, तरक्की, फेमस, जो भी चाहिए, लव चाहिए, कुछ भी आप इससे हासिल कर पाएंगे। बहुत अच्छा पावरफुल स्विच वर्ड है, और देखिए करिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए। सो गाइस मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ, आपका सुबह में उठते हैं कैसी भी कंडीशन होती है, आप मतलब कैसी भी कंडीशन, मतलब आप सुबह में उठते पर्सनल को ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है, आप बिस्तर में बैठे हुए भी आप यह स्विच वर्ड 3 बार चेंट कर सकते हैं, चेंट मतलब जाप कर सकते हैं। और दोपहर को तो आप कहीं भी बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, तो आप इसको 6 बार चेंट कर सकते हैं। फिर रात को तो हम घर पे आते ही हैं, घर पे आने सोने से पहले हमें इस स्विच वर्ड को 9 बार चेंट करना है। इस तरह से आप एक तरह का नियम बनाइए, इसको कीजिए। वैसे तो हर एक स्विच वर्ड, हर एक मंत्र का एक नियम होता है, कम से कम 41 दिन तक बोला जाता है, 41 दिन में 101% आपकी विश पूरी हो जाती है। मगर फिर भी आप देखिए इसमें क्या होता है, किसी भी कर्मास किस तरह से होते हैं। सो गाइस कभी किसी को 2 दिन में रिजल्ट आता है, किसी को 11 दिन में, किसी को 5 दिन में, किसी को महीना लग जाता है, 1.5 महीने, तो 101% 41 दिन में तो यह रिजल्ट आ ही जाता है। पर मैं तो यही कहती हूँ, दिल से करोगे आप, श्रद्धा से करोगे, ट्रस्ट से करोगे, तुरंत रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं, आप अगर श्रद्धा से करोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। देखिए बहुत ही मतलब इतना पावरफुल स्विच वर्ड है कि आपको हर तरह से, मैं इसका मीनिंग भी समझाऊंगी आपको। और यह स्विच वर्ड है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, टुगेदर, ट्रस्ट, ब्लेस्ड, हील एंड लव, ये 5 स्वीट वर्ड है। 5 स्वीट वर्ड का क्या है, एक सेंटेंस बनाया गया और ये इतना अच्छा है। टुगेदर यानी सबसे मिलना, टुगेदर का मीनिंग मैं समझा रही हूँ आपको कि टुगेदर यानी मिलना, ट्रस्ट बिलीव करना, विश्वास करना, हमको विश्वास है, बिलीव यानी ट्रस्ट, और ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद हमको किसका मिलता है, उस यूनिवर्स का, उस भगवान का, यानी आशीर्वाद। यह 3 स्वीट वर्ड हुआ। और चौथा स्वीट वर्ड है हील। हील का मतलब क्या होता है, हम धरती से जुड़े हुए, हीलिंग जो हम बोलते हैं उसका हील करना, यानी उसको बार बार मतलब हीलिंग करना। हीलिंग का मतलब यह होता है कि हम जिस भी चीज़ को मतलब एनर्जाइज करते हैं, उसमें पावर डालते हैं। देखिए बार बार हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हीलिंग करना। हीलिंग मतलब वो किसी भी चीज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे उसको बोलते हैं हील करना। तो
इस तरह से फील, और लास्ट का एक वर्ड से लव, लव यानी प्रेम। सो गाइस, ये बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है, आप करके देखिए बहुत अच्छा। अरे मैं तो कहती हूँ आप 2 दिन भी करके देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ आपको अच्छे समाचार मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है 2 दिन करने के बाद आप उसको करना बंद कर दोगे, नहीं, उसको एक नियम रखो, या तो 11, 21 या 41 दिन तक, इस तरह से आप उसको एक तरह का नियम बनाओ कि 11 दिन या 21 दिन या फिर 41 दिन आप इसको स्विच वर्ड को इस तरह से देखो, सुबह में तीन बार, दोपहर को 6 बार और शाम को 9 बार, इस तरह से आप कीजिए और देखिए इसका रिजल्ट आप चौंक जाएंगे, इतना अच्छी तरह चमत्कार करता है, पावरफुल स्वीट वर्ड है, आप कीजिए और आपका मन इतना प्रफुल्लित होगा, अब देखेंगे तो आप भी समझेंगे हाँ हाँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। सो गाइस, आप जरूर से इस स्विच वर्ड को चैंट कीजिए और देखिए कितना अच्छा, 5 स्विच वर्ड है पर बहुत ही पावरफुल है, टुगेदर, ट्रस्ट, ब्लेस्ड, हील एंड लव, बस इतना ही बोलना है। और मैं मेरे डिस्क्रिप्शन, आपको नहीं खाता है तो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका मैं मतलब लिख कर दे दूँगी, तो आप जरूर से उसको नोट कर लीजिए और आप इसका चैंट कीजिए, और चैंट करने के बाद आप देखिए कितना अच्छा पावरफुल रिजल्ट आता है, आप खुद चौंक जाओगे कि किस तरह से हमारी लाइफ में चमत्कार होने लगते हैं हर तरह से। पर क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं कि हम एक दो बार करते हैं हमें फ़ायदा होगा फिर हम उसको बंद कर देते हैं, ये गलत बात है। अब इसको रिपीट करोगे ना बार बार तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यह स्विच वर्ड, 5 स्विच वर्ड बहुत ही अच्छा, टुगेदर भी बोलने से बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है, और ये 5 स्विच वर्ड का एक सेंटेंस बनाया है बहुत ही पावरफुल, टुगेदर, रश्ड, ब्लेस्ड, हील, लव, टुगेदर, रश्ड, ब्लेस्ड, हील एंड लव, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, किस तरह से बोलते जाइए बहुत ही अच्छा। मैं ज़्यादा बार कहाँ बता रही, 3 बार बोलना है आपको सुबह में, 3 बार कुछ ज़्यादा नहीं होता, तुरंत हो जाता है, फिर दिन में आप दोपहर को 6 बार बोलिए, फिर शाम को इसको 9 बार बोलिए, इस सिचुएशन से आप करोगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इतना पावरफुल रिजल्ट मिलेगा ना आप चौंक जाओगे कि हाँ हमारी लाइफ में कितना चेंजेस आ रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज, आपके सारे काम, आपकी लाइफ में प्रेम, आपकी लाइफ में मान सम्मान, आपकी लाइफ में ट्रस्ट विश्वास, और आपकी लाइफ में मतलब लोगों की कमी हो कि आपसे कोई लोग खींचे खींचे रहते हो और आपसे नहीं बात करना पसंद करते हो, इस तरह से कोई भी हो, किसी भी तरह का ये होगा, आप देखिए फिर इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको कि आप देखते ही रह जाएंगे। लाइफ में हर चीज़ हमको बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर आप ये स्विच वर्ड चेंज कीजिए और देखिए फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं यही कहती हूँ, अगर घर में आप माताएँ बहनें हैं और जो भी मतलब सिस्टर्स वगैरह हैं, हाँ मैं उन सभी से कहती हूँ आपको कुछ ऐसा प्रॉपर ही नहीं करना है, आप काम करते करते भी आप इस स्विच वर्ड को चेंज कीजिए और फिर देखिए बहुत ही अच्छा पावरफुल रिजल्ट आता है, और देखिए करके देखोगे तो आपको अपने आप ही बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और अब मैं हर रोज़ ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटी छोटी वीडियो पर आप लोगों के लिए हर रोज़ की एक वीडियो में जरूर लेकर आऊंगी, मैं कोशिश पूरी करूंगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। सो गाइस, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर से इन छोटे छोटे उपायों को कीजिए और बहुत लाइफ का मज़ा लीजिए, बहुत अच्छे तरह से वर्क करते हैं, और आप विश्वास से करोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। अगर विश्वास रखोगे तो, सभी कहते हैं ना कि लोग अमुक पत्थर को पत्थर कहते हैं, मगर अमुक लोग ये कहते हैं पत्थर में भी देवता, अगर उसको पूछोगे तो वो पत्थर भी देवता बन जाते हैं, इस तरह से ही हमारा विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, हमें कभी भी अपना विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए और उस भगवान पे हमेशा विश्वास कीजिए। आपको जब भी परेशानी आती है आप अपने भगवान का नाम जरूर लीजिए और देखिए आपको वो भगवान किस तरह से रास्ता दिखाते हैं बहुत ही अच्छी तरह। मैं अपने प्रभु भोलेनाथ पे विश्वास करती हूँ, मेरा सारे काम होते हैं,
और आज उनकी बदौलती में जो कुछ भी हो उन्हीं की बदौलत हो। सो गाइस मैं आप सभी को ही कहती हूँ, आप जिस भी भगवान पे ट्रस्ट करते हो, कोई भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं, माता जी हो सकती हैं, दुर्गा माँ हो सकती हैं, विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा हो सकते हैं, भगवान वसुदेव भी हो सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान हो सकते हैं। सॉरी गाइस, सो आपके कोई भी इष्ट देव हो सकते हैं। सो गाइस आप जरूर से इस स्विच वर्ड को चेंज कीजिए और देखिए फिर कितना पावरफुल रिजल्ट आता है। अब मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो में ज़्यादा बात करते हैं तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं। सो गाइस मैंने आज जल्दी से आपको ये उपाय बता दिया है और आप जरूर से कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी लगे तो आप पर हमेशा वीडियो मेरी पूरी देखा कीजिए। पूरी वीडियो देखने से आपको क्या है, प्रोसेस पूरा पता चल जाता है। आप अधूरे कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान हमें तकलीफ देता है, सो ऐसा मत किया कीजिए। आप पूरी वीडियो देखा कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगती तो आप छोड़ के भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम आपको, क्योंकि मैं तो सभी का भला ही सोचती हूँ। भला सोचने के अलावा मैंने जो भी यूज़ करती हूँ और जो भी अच्छा पावरफुल उपाय होते हैं वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कोशिश कीजिएगा कि आप सभी को फ़ायदा हो और अच्छी तरह से आपको इस काम को करें। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो पे जो भी नए भाई बहन आए हुए उनको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और सब्सक्राइब करने से आपको मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू, वंदे मातरम, राधे राधे दोस्तों, ओम नमः शिवाय।